हेलो गाइस, दिस इज पावेश एंड वेलकम टू ऑल सो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं होंडा सिटी हॉर्नेट 160 आर के बारे में, जो 160 सेगमेंट में बहुत ही पॉपुलर बाइक है। तो फ्रेंड्स, यहां पे इसका जो BS6 वर्जन जल्द ही लॉन्च होने वाला है होंडा की तरफ से। तो फ्रेंड्स, क्या कुछ चेंजेस आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाला है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी बन जाता है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट तरीके लेट्स रॉक। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हॉर्नेट 160 आर BS6 जो फ्यूचर में लॉन्च होने वाली है जल्द ही, एक दो महीने में यहाँ पे जनवरी तक यहाँ पे लॉन्च हो जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पता है कि ये बाइक कितनी पॉपुलर है 160 सेगमेंट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी चेंजेस होने वाले हैं, तो फ्रेंड्स उसमें आपको सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते, तो फ्रेंड्स सबसे पहले डिजाइन में आपको जो चेंजेस देखने को मिलने वाला है, तो वो होंगे सिर्फ कलर्स एंड ग्राफिक्स आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे बॉडी के डायमेंशंस में यहाँ पे कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, जो भी यहाँ पे न्यू डिजाइन ग्राफिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ न्यू कलर्स ऑप्शन भी आपको देखने को मिलने वाले, जैसे कि अभी आपको ब्लू, रेड एंड ऑरेंज जैसे और भी कुछ कलर्स के ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो उसमें आपको कुछ न्यू कलर्स आपको देखने को मिलने वाले है। तो फ्रेंड्स, उसके अलावा अगर हम चेंज की बात करते, तो फ्रंट में आपको जो LED हेडलैम्प है, तो वहां पे आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करते, तो फ्रेंड्स उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलने वाला है, जो यहाँ पे अभी तक यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे लीक नहीं की है कि क्या फीचर्स वो देने वाले हैं, बट कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ये यहाँ पे होंडा ने कंफर्म किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी डिजाइन में भी आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेजर चेंज जो यहाँ पे होंडा हॉर्नेट के कस्टमर्स की तरफ से हाईली रिकमेंड यहाँ पे जो किया गया था, वो है इंजन किल स्विच, क्योंकि इसके जो अदर कॉम्पिटिटर्स है वो सभी बाइक्स में यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच देखने को मिलती है, बट होंडा हॉर्नेट के जो BS6 वर्जन है उसमें अभी तक आपको इंजन किल स्विच आपको होंडा ने नहीं दिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे BS6 में होंडा हॉर्नेट में आपको देखने को मिलने वाला है इंजन किल स्विच, तो फ्रेंड्स उसके लिए एक लाइक तो बनता है। सो गाइस, चलिए बात करते हैं यहाँ पे पावर फिगर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी की जो होंडा हॉर्नेट 160R जो कार्बोरेटर वर्जन के साथ BS4 वाली है, तो उसमें आपको 15.09 BHP की पावर मिलती थी विद 14.5 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अच्छा खासा पावर देखने को मिल जाता, जिस वजह से भी ये बाइक 160 सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब ये बाइक FI के साथ आएगी, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि इसके पावर में आपको कुछ इंक्रीज आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे होंडा ने जब शाइन 125 SP को लॉन्च किया था, तो फ्रेंड्स उस टाइम भी आपको पावर इंक्रीज होता हुआ दिखा था एज कम्पेयर टू BS4। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होंडा हॉर्नेट में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे 0.5 से 0.4 BHP के अराउंड आपको कुछ पावर इंक्रीज होता हुआ दिखे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे पावर फिगर्स आपको ऑलमोस्ट सेम, आपको बहुत कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस में डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं यहाँ पे माइलेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है BS6 में होंडा हॉर्नेट की माइलेज 10 to 12% तक बढ़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही एक अच्छी न्यूज आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पावर में भी आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलने वाला है और माइलेज भी इंक्रीज होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे होंडा ने काम किया हुआ मुझे लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पता है कि होंडा के इंजिन तो बहुत ही ज्यादा रिलायबल आते हैं और होंडा इसके लिए ही जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होंडा हॉर्नेट 160 आर में आपको होंडा की न्यू टेक्नोलॉजी ESP जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, और आपको 125 SP में भी आपको टेक्नोलॉजी के साथ BS6 के साथ ही ये बाइक लॉन्च हो रही है। तो गाइस, होंडा हॉर्नेट भी आपको 1 ESP टेक्नोलॉजी के साथ ही लॉन्च होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या था कि आपकी बाइक बहुत ही साइलेंटली स्टार्ट होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंजन की रिलायबिलिटी भी इससे बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइस के बारे में बात करते, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस बाइक की प्राइस भी यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है, जो अराउंड 8 to 10,000 तक यहाँ पे इस बाइक की प्राइस बढ़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस बाइक की प्राइस उसके बाद हो जाती है 1 lakh के अराउंड इस बाइक की एक शोरूम प्राइस होने वाली, जो इसके कॉम्पिटिटर्स के जो भी प्राइस है वो भी यहाँ पे 1 lakh के अराउंड भी आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइस में भी उसके अदर कॉम्पिटिटर्स से बहुत कुछ आपको डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ थे चेंजेस जो यहाँ पे BS6 में आपको देखने को मिलने वाले है। उसके अलावा भी यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको एक्स्ट्रा में देखे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप हमें कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपके इस बाइक के बारे में कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे टेक्नोलॉजी और
ऑटो से रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे आई बटन एंड एंड स्क्रीन में, और आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ओम शांति, थैंक्स फॉर वॉचिंग।